उत्तराखंड के नैनीताल से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के खैरना इलाके में उस वक्त पुलिसकर्मियों का माथा चकरा गया जब एक मैक्स वाहन में भेड़ बकरियों की तरह 26 स्कूली बच्चों को ठूस ठूस कर भरा गया था। हद तो तब हो गई जब पुलिस चालक के पास गई तो वो नशे में झूमता नजर आया, जो बच्चों की जान जोखिम में डालकर वाहन दौड़ा रहा था। ऐसे में तत्काल उसे हिरासत में लिया गया, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। खैरना चौकी प्रभारी दिलीप कुमार ने बताया कि पुलिस की टीम चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी एक मैक्स वाहन को रोका गया और चेकिंग की गई, जहां लोहाली के रहने वाले चालक स्कूली बच्चों को गर्म पानी से लोहाली से ले जाता मिला, लेकिन वाहन में क्षमता से दोगुने बच्चे सवार मिले। वाहन में 26 बच्चे सवार मिले, इतना ही नहीं, चालक नशे के हालत में था। इसके बाद सभी बच्चों को दूसरे वाहन से सुरक्षित उनके घर भेजा गया। वहीं वाहन में क्षमता से ज्यादा बच्चों को जाने और परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर चालक और गाड़ी के खिलाफ कोर्ट चालान किया गया। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट आरटीओ हल्द्वानी को भेजी गई। वहीं स्कूल प्रशासन को भी हिदायत दी गई कि बच्चों की जान से खिलवाड़ न किया जाए। उधर नशे की हालत में टैक्सी चला रहे चालक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।